और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में जनपद के समस्त बैंकर्स के साथ डीएलआरसी की बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा ऋण जमानुपात, वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष कृषि एमएसएमवाई व अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, फसली ऋण व किसान पशुपालक मत्स्य पालक, क्रेडिट कार्ड ओडीओपी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सीसीएल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना आदि की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा सभी बैंकर्स को निर्देश दिए गए कि सरकार द्वारा संचालित रोजगार परक योजनाओं के ऋण संबंधी लंबित सभी प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जाए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आसानी से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जनपद में बैंकिंग सुविधा से वंचित पात्र लोगों के खाते खुलवाए जाएं तथा ऋण स्वीकृत होने के बाद ऋण वितरण में किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज, जिला कृषि अधिकारी कुलदीप कुमार मिश्रा, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सुनील वर्मा सहित समस्त बैंकर्स मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।